अमृतसर रीति रिवाज आतंकी बुकिंग होता है था हरियाणा स्पोर्ट्स एलवी बकीला नाम है भैया जय सिंह हमारे साथ हैं रवि मिलना बात मिल रही हो सही नटार का फिल्टर दे भाई एक तो नटार नहीं चाहिए घूम रहा हो यार सारा ही मुंडा जाए भाई बोलर कौन है कालवाना का जो यार एक तो फिल्टर है विशाल है बल्लेबाज मैन स्ट्राइक पर रवि नॉन स्ट्राइक पर जितेंद्र बॉलर नेम सागर रवि स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे जितेंद्र हाँ इतना पता लग गया भाई डिंग में फील्डिंग के लिए प्लेयर नहीं है प्लेयर खत्म पहली बॉल पर कैच आउट पहली ही गेंद पे डिंग के फील्डर हैं ये अमन अच्छा कैच सफलता मिलती हुई यहाँ पर सागर को पहली गेंद पे अब आए हैं जय सिंह पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे जय सिंह सागर चले ये गेंद जय सिंह के लिए बेहतरीन ड्राइव फील्डर हैं लेकिन एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चार रन अगर थोड़ा सा भी मिसफील्ड हुआ तो आउटफील्ड मैं बार बार कह रहा हूं बहुत तेज है गेंद को नहीं रोक पाएगा कोई भी फील्डर एक बार फिर से सागर चले ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर अंपायर ने इसे वाइड करार दिया पांच रन स्कोर एक एक्स्ट्रा और एक जय सिंह के बैट से लगने वाला चौका अगली गेंद के साथ बार स्लोअर गेंद थी शायद जय सिंह शॉट लगाना चाहते थे बाद में बैट का रुख बदला नतीजा डॉट गेंद एक बार फिर सागर अगली गेंद के साथ छोटे रन अप के साथ बेहतरीन शॉट फील्डर है सामने अच्छी गेंदबाजी यहां पर सागर के द्वारा एक शॉट जरूर लगा था चार रन के रूप में लेकिन उसके बाद से अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सागर ये गेंद जितेंद्र के लिए और बेहतरीन कैच ये डिंग के महान शर्मा साहब अब जो फील्डर लिए थे आप देख लीजिए क्या नाम है बॉलर नेम क्या नाम है भाई जी हरभजन बिया नाम के इन्होंने डिंग की टीम के लिए खेलते हुए कभी कैच नहीं पकड़ा लेकिन आज फील्डिंग करते हुए कैच राकेश मास्टर जी स्कोर है 12 रन इस एक रन के साथ दो विकेटों के नुकसान पर अली मोम छह ओवरों का ये मैच हरभजन लंबे रन अप के साथ चले अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद जय सिंह के लिए एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 13 रन राकेश
नए बल्लेबाज के रूप में आए थे। एक रन से खाता खोला था अपना। ये गेंद और इस बार बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन छक्का, बहुत ही बेहतरीन छक्का। उम्र जरूर ज्यादा हो गई मास्टर जी की, लेकिन अभी तो वही पड़ी है। इन्होंने अली मोहम्मद को कभी सोने नहीं दिया। जितना सीजन होता है प्रतियोगिता का, कभी कहीं चलना है, कभी कहीं चलना है। हरभजन लंबे रन अप के साथ बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया था राकेश ने। अगली गेंद का सामना करेंगे और इस बार में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बाहर लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। ये गेंद सर्वण के लिए और ओवर की समाप्ति, दो ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर है 20 रन। अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए दोनों ही टीमें, अली मोहम्मद वर्सेस नटार। सागर छोटे रन अप के साथ कोटे का दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर करेंगे, सामना करेंगे जय सिंह। अब तैयार, चले अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद जय सिंह के लिए और अच्छी गेंद, स्लो वन डाली। अच्छा मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में सागर, सामना कर रहे हैं जय सिंह। ये गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन, दोनों ही गेंदें डाली हैं, दोनों ही गेंदों में बीट किया। यहां पर कोई मौका नहीं दे रहे जय सिंह को शॉट लगाने का। अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं जय सिंह। इस बार शॉट खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ, अच्छी फील्ड, एक ही रन स्कोर पहुंचा इसे एक रन के साथ 21 रन। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ, सागर चले अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद, इस बार बीट हुए अंपायर लेग बाई के रूप में ये रन। दोनों ही अनुभवी अंपायर हैं सरवण थिम्पा जयप्रकाश दैया। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, रास्ता लग गई गेंद गोदारा फार्म की तरफ, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रन। जैसे ही देखा लाइन से भटके हैं यहां पर सागर, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए जय सिंह ने। अगर लूज गेंद मिलती है, कमजोर गेंद मिलती है अगर जय सिंह को, तो निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर होती है। सागर अगली गेंद सामना करेंगे जय सिंह। सागर चले ये गेंद जय सिंह के लिए, स्वारल के हाथों से खेला शॉट, एक रन पूरा किया। शायद सरवण को देखते हुए भारी भरकम शरीर के हैं, एक ही रन लिया। ओवर की समाप्ति, टोटल 3 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड पे रन है 29। हरभजन कोटे का दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर डालेंगे
सामना करेंगे जय सिंह लंबे रन अप के साथ। ये गेंद वारल के हाथों से खेला, फील्डर है सामने, लेकिन जब तक फील्ड करके थ्रो करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, स्कोर पहुंचा इसे एक रन के साथ 30 रन। अब सामना करेंगे सरवण हरभजन, शायद गेंद चेंज की है, कोई नहीं वाडा जी की परजीत आप भाई ले लियो। हरभजन ये गेंद बेहतरीन ड्राइव, फील्डर है सामने, अच्छी फील्ड, एक ही रन मिलेगा, स्कोर पहुंचा 31 रन। हरभजन धीरे धीरे रन अप पर आते हुए सामना करेंगे जय सिंह, अच्छे शॉट लगाने होंगे क्योंकि नटार भी अच्छी टीमों में शुमार है। फिर से ड्राइव, ग्राउंड हिट शॉट, एक रन लिया, थोड़ा मिस फील्ड हुआ जिसका नतीजा दो रन पूरे किए। यहां पर एक छोटी सी गलती और एक रन और, स्कोर पहुंचा 33 रन। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ सामना कर रहे हैं जय सिंह अली मोहम्मद, पहले बल्लेबाजी करता हुआ, निर्धारित 6 ओवरों का ये मैच, और इस बार ड्राइव लगाया है फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन, बहुत ही बेहतरीन चौका, गैप ढूंढा और अच्छा शॉट लगाया यहां पर जय सिंह ने। चौथा ओवर चलता हुआ स्कोर है इन 4 रनों के साथ 37 रन। एक बार फिर हरभजन इस गेंद के साथ, इस बार फिर से उठाकर खेला, वन बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पिछली दो गेंदों में बड़ी खूबसूरत बाउंड्रियां जय सिंह के बल्ले से, इससे पहले मैच खेला था उसमें भी बड़े खूबसूरत शॉट दिखाए थे जय सिंह ने। सूर्य देवता भी आंख मिचौली करते हुए जय सिंह के लिए ये गेंद, इस बार बैट का ऊपरी किनारा, अच्छी फील्ड वहां पर, निश्चित रूप से 3 रन बचाए। ओवर की समाप्ति 4 ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर है 42 रन अली मोम, 6 ओवरों का ये मैच, नटार वर्सेस अली मोम। सूर्य देवता मुस्कुराते हुए, गगन कोटे का पहला, टीम की तरफ से 5वां ओवर करेंगे, सामना कर रहे हैं सेट बल्लेबाज जय सिंह। ये गेंद जय सिंह के लिए, उठाकर शॉट लगाना चाहते थे, बीट हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, अच्छी गेंद। अभी तक तो गगन के द्वारा, अगली गेंद सामना करेंगे जय सिंह, बहुत ही खूबसूरत शॉट और बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। तो इस तरह से सेट बल्लेबाज थे जय सिंह, उनकी पारी का अंत होता हुआ, जय सिंह ने तीस रन बनाए, 20 फील्ड, जिसका नतीजा एक रन। जय सिंह ने 30 रन बनाए अपनी टीम के लिए, टोटल स्कोर है 43 रन, जिसमें 30 रन जय सिंह ने बनाए, यानी अली मोहम्मद की टीम की तरफ से 13 ही रन बने। गगन अगली गेंद के साथ, बेहतरीन गेंद, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर गगन सामना कर रहे हैं
बेहतरीन खूबसूरत ग्राउंडेड शॉट, अमन है फील्डर, एक ही रन मिलेगा क्योंकि काफी अच्छे फील्डर हैं अमन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर 45 रन। श्रवण भाई को दूसरा बल्लेबाज को नाम बताइए यार, विकास। भैया का की नाम है, बोलो। गेंदबाज नेम विजेंद्र सेठी, सेठी सामना करेंगे विकास सेठी। चले अंपायर को क्रॉस किया गेंद विकास के लिए और बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन पहली विकेट को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया विकास ने। एक बार फिर सेठी अगली गेंद के साथ और इस बार उठाकर खेला है, फील्डर जा रहे हैं गगन, अच्छी दौड़ लगाई और बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच यहां पर गगन के द्वारा। भाई नाम क्या है? छोटे कद के जाबाज फील्डर हैं नटार की तरफ से गगन, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। भाई नाम क्या है? सेठी अगली गेंद के साथ और इस बार उठाकर खेला है, फील्डर है नीचे, कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप तो यार भाईडा नहीं जरा लागी की गंदी है, पालन बहुत जोर की लाग गए भाई, अब उठे के सार दी अंगली लागी है भाईडा पूछ लेते। अगली गेंद सेठी की सरवण के साथ और बेहतरीन शॉट लगाया है और बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, जबरदस्त फील्डिंग यहां पर गगन के द्वारा इस युवा फील्डर के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, दो खूबसूरत कैच लिए। ये नाम है भाई, स्कोर है 49 रन। सेठी की गेंद उठाकर शॉट लगाना चाहते थे, डॉट गेंद, छोटा सा रन अप इनका और अच्छी गेंदबाजी में मिश्रण करते हुए 2 विकेट भी हासिल किए हैं इस ओवर में। इस बार उठाकर खेला है, फील्डर जा रहे हैं नीचे, कैच ड्रॉप, 2 रन पूरे किए। ओवर की समाप्ति, ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर बनाया है 51 रन, 52 है, 52 रनों का टारगेट मिला यहाँ पर नटार को, 52 है। बात है बेटा, 51 है, 52 है यार, गिन दिया मैं तो, गिना तो सक गया साथ ही आ रहे हैं महीने जी, लाइव मार्क नहीं चल रहा है, बैठा देने गए बैठे, बावन है भाई, हो गया कर दिया
सर क्यों दिया बनाया लग रहा है एक दो मोटर ही कौन है स्टार्ट कराओ मैच बोलो नहीं बतला आप फिर गणाइया हड़ बैठ जाऊंगा सागर जय सिंह है गेंदबाज सुरेंद्र पूनिया है भाई काफी सहयोग है इनका बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर हैं इस सर्दी में सरवरपुर से स्पेशल इस प्रतियोगिता के लिए वाइट स्पेशल इस प्रतियोगिता के लिए हमारे बीच पहुंचते हैं और हर बार क्रिकेट की जितनी भी प्रतियोगिता हुई है अच्छा मान और सम्मान गांव की तरफ से डिंग की तरफ से भी इनको मिला और इनकी तरफ से भी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं तो चार रनों के साथ स्कोर 5 एक अतिरिक्त के रूप में जय सिंह गेंदबाज सागर हैं बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज वो नाम के भाई साहिल बहुत ही बेहतरीन शॉट सागर के बल्ले से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन स्कोर पहुंचा इन 6 रनों के साथ 11 रन अभी तो ओवर शुरू हुआ है अभी तो बल्लेबाजी शुरू हुई है देखना है आगे आगे होता है क्या बेहतरीन गेंद इस बार अच्छी लाइन के साथ वापसी करते हुए 11 रन है टोटल स्कोर जय सिंह बेहतरीन शॉट खूबसूरत गैप ढूंढा यहां पर और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन टोटल स्कोर हुआ 15 रन पहले ओवर का खेल चलता हुआ नो बॉल फ्री हिट जय सिंह इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद शायद सागर वाइड मांग रहे थे अंपायर से लेकिन नहीं काफी अनुभवी अंपायर है दोनों ही श्रवण चिंपा और जयप्रकाश दैया उर्फ मिठू हमारे गांव के मिठू हैं ये और बेहतरीन फील्डरों में से एक फील्डर है अच्छा ग्राउंडेड शॉट दौड़कर 1 रन पूरा किया स्कोर पहुंचा 17 रन 1 ओवर की समाप्ति और आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर भाई सुरेंद्र पूनिया तो एक ओवर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दौड़कर 1 रन पूरा किया तो स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के छोटे से रेप के साथ चले अंपायर को पार किया उनकी एक इस बार अच्छी गेंद बाकी काम विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में लेते हुए पूरा किया बगैर किसी रन के गेंदबाज अपने रन से मुड़े अंपायर को पार किया विकेट को
पार करते हुए शानदार गेंद ऑप्शन से बाहर टप्पा खाकर बाकी काम विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में लेते हुए पूरा किया। अन्य फील्डरों के द्वारा गेंद वापस गेंदबाज को दी जा रही है। गेंदबाज चले, अंपायर जेपी को पार किया, उनकी है गेंद। और अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए सावर में स्कोर अटका हुआ 19 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी। 6 ओवरों में जीत के लिए जो टारगेट सेट किया था पहले 52 रन बनाए थे और जीत के लिए 53 रन बनाने। एक बार फिर मैदान पर धूप खिलती हुई, आंख बिचौली का खेल चलता हुआ बीच मैदान पर बादलों के बीच और सूर्यदेव के बीच। इस बार गेंद को आगे आकर सीधा समेस उठा दिया खूबसूरती के साथ 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद गेंद अब मैदान पर आती हुई, स्कोर है 25 रन 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। और अब गेंदबाजी के लिए जय सिंह है गेंदबाज। फील्ड को फैला दिया गया है और गेंदबाज जय सिंह चले, जयप्रकाश को पार किया, उनकी यह गेंद लपेट कर मारना चाहते थे। गेंद थोड़ा सा मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा भी किया दौड़ के, रन एक विकेट के नुकसान पर। हर भजन आया बल्लेबाजी के लिए, ढीले हाथों के साथ बॉलर बैक ड्राइव पुश किया, बॉलर ने खुद फील्ड किया और अपने रन पर वापस मुड़े। ये टूर्नामेंट का तीसरा दिन दे रहे हैं। अच्छा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ। एक बार फिर छोटे से रनअप के साथ चले, अंपायर जेपी भैया को पार किया, गेंद की और आगे आकर गेंद को घुमाया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ऑफ साइड से निकल जाएगी। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर हर भजन के द्वारा। टूर्नामेंट का तीसरा दिन, तीसरे दिन में अच्छे मुकाबले लोगों को, दर्शकों को, जानदार दर्शकों को देखने को मिले। ऑफ स्टंप से बाहर जगह बनाई, स्वीपर कवर से बाहर 4 रन के लिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ साथी तैयार करते हुए 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद साथी स्कोरर। अब गेंदबाजी के लिए बिट्टू आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्कोर है 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। बिट्टू है गेंदबाज, स्पिन टेक का भार संभालते हुए अली मोहम्मद की तरफ से, उनकी है गेंद, आगे आकर गेंद को घुमाया, गेंद लॉन्गो बाउंड्री की तरफ चली गई। जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। लतार एली मोहम्मद के खास मुकाबले की फिराक में कौन जीतेगा। गेंद को हिट किया, फील्डर पोजीशन बनाने की कोशिश और उनसे थोड़ी आगे टप्पा खाकर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। एक रन बना, दूसरे रन के लिए तेजी करनी पड़ेगी। तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया तो स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन एक विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट तेज होता हुआ एक बार फिर चले, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ज्यादा, पर इतनी भी नहीं कि अंपायर उसको समांतर वाइड करार दे। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर तिरछा रन के साथ, उनकी यह गेंद हरभजन को हाफ बॉली पर लेकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में धकेल दिया और तेजी के साथ एक रन भी पूरा कर लिया। तो स्कोर साथी तैयार करते हुए 39 रन, जीत के लिए 53 रन बनाने हैं। एली मोहम्मद पहले बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाए थे। उनकी यह गेंद अच्छे तरीके से गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग लेग क्षेत्र में गेंद को थोड़ा सा डीप जाते हुए फील्ड किया। स्कोर है 40 रन। चले
उनकी एक अच्छी गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यानी अब चार ओवर की खेल की समाप्ति। स्कोर है 40 रन नटार यानी अब बारह गेंदे हैं और 13 रन बनाने हैं और 9 विकेट उनके हाथ में है। गेंदबाज नेम किर्सन है टेली मोहम्मद की तरफ से फुल टॉस ही तीर, फुल टॉस को लेकर ऊपर से उठा दिया मिड विकेट के क्षेत्र से 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। जो टीम जीतेगी कालवाना उनका इंतजार कर रही है। यहां पर कौन टीम आएगी दोनों में फुल टॉस के फिर उठा दिया फिर खूबसूरती के साथ 6 रन के लिए। जीत के लिए मात्र 1 रन बाकी, औपचारिकता बाकी और आगे के लिए दोनों टीमों के कप्तान आए और अपना लगभग टॉस कर ले। किर्सन चले उनकी आगे आउट करार दिए गए हैं। किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और अब आए हैं गगन बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। अच्छा मुकाबला चलता हुआ और अब अच्छे तरीके से बॉलर के पास से निकाल दिया और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी 4 रन के लिए। अच्छा मुकाबला चलता हुआ इसमें जो इस टूर्नामेंट में जो इनाम की प्रक्रिया है, पहला इनाम 51,000 रुपए प्लस ट्रॉफी, दूसरा इनाम यहां पर 31,000 प्लस में ट्रॉफी और जो मैन ऑफ द सीरीज की बात है जो हमारे साथी गांव से अनिल गोदारा जी जो सीरीज देंगे 5100 रुपए प्लस ट्रॉफी में वो भी शामिल होंगे। उन्होंने भी हमारा खूब सहयोग कर रहे हैं। सीरीज अनिल गोदारा और अंपायर साहिबान देहान